नमस्कार, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना कुमार। स्वागत है जी आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम बिना बुलाए रिश्तेदार। और अक्सर हम रिश्तेदार बनकर जाते हैं जी कलाकारों के घर पे, लेकिन आज हम आए हैं जी वेब सीरीज के सेट पे। तो यहाँ पर धाकड़ छोरियां वेब सीरीज की जो शूटिंग है वो चल रही है, और यहाँ पर हमें दो धाकड़ छोरियां अब मेरे दाएं और बाएं देख सकते हैं। तो दोनों हमारे साथ हैं। तो मेरे सब्बे हाथ में है निशा और खब्बे हाथ में है मेरे साथ राखी। तो धाकड़ छोरिया, पहले तो स्वागत है जी दोनों धाकड़ छोरियों का हरियाणा बीट्स पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। निशा जी, आपका तो देखो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी आपने वेब सीरीज, इतना सारा आपने काम कर लिया है। राखी के साथ आप पहली बार काम कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव इनके साथ जा पहले ऐसी छूट के देखो रहा ना, राखी ने कह नहीं सकते। राखी ने टीवी पे काम नहीं करा है, है? करा है। और मैं कहना चाहूंगी कि रील, ठीक है, रील का बहुत ट्रेंड है बिल्कुल, आजकल, लेकिन रील में वो 15 मिनट में अपना टैलेंट दिखा देना भी बहुत बड़ी बात है। 15 सेकंड में। हाँ, 15 सेकंड में तो उस खातर स्क्रिप्ट, मतलब कह दे हैं हम भाई 15 मिनट में ही तो करा हाँ है, लेकिन उस खातर लिखे भी है वहा, ठीक बिल्कुल। है। फिर उसने एक्ट भी करा है, कॉमेडी भी हो उसमें, हर तरीके के इमोशन हो। तो मैं सीरीज का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इनिशियली हमेशा नहीं होया करे कि को एक्टर ना आपका बढ़िया हो ना तो आपके सारे इमोशन निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक एक ना एक ऐसा निकड़े जाओ जिसमें धक्के तो इमोशन काटने पड़े। तो राखी इसी थी, बस इम्प्रोवाइज करा है, मतलब मजेदार इम्प्रोवाइज करा है कि कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी नुकेन की, राखी तू यू कर ले, बिल्कुल। निकल गया बस सब कुछ। अच्छा राखी जी, सेम सवाल आपसे भी रहेगा। देखो निशा ने इतना सारा काम कर लिया है, और पहली बार हम आपको गानों में, हम आपको देख चुके हैं, आपकी रील्स हमेशा हम देखते रहते हैं, लेकिन पहली बार एक पूरी स्क्रीन पर इतने घंटों तक हम आपको लगातार देखने वाले हैं, तो निशा के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? ये फील नहीं आया कि इन्होंने इतना काम कर लिया और आप पहली बार कर रहे हो, तो इस तरह कुछ फील नहीं आया? नहीं, मेरे को नहीं आई ये। मैं कॉमेडी वीडियोस तो मैं पहले भी बिल्कुल। कर चुकी हूँ। मैं हिंदी क्यों बोल लूँ, हरियाणवी बोल हरियाणवी लूंगी बोल चैनल भी हरियाणा बीट्स आपने हिंदी में सवाल पूछ जाना चाहे हमारे हिंदी में जवाब लिख दिया, तब जी। मैं पहला भी करा है। लेकिन हाँ डिफरेंस यो है, अगर पहला जो भी करे आज तक मैंने, मतलब कॉमेडी करेक्टर करे हैं, बिल्कुल। मतलब लोगा लोगा थी आसान थी जो भी चीज बनाई है। यो जो प्रोजेक्ट है पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब मेरा सीरियस कैरेक्टर है, और मैं शुरू से ही नहीं चाहूं थी मैं मतलब कोई सीरियस चीजें करूं, बिल्कुल। मतलब सीरियस एक्ट करूं, लेकिन वो कदे मौका मिल ना पाया। लेकिन यो मौका मिल रहा है तो मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी निभाने की। जी। और जो आपने पूछा कि निशा के साथ मेरे को कैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। निशा की मैंने पहली वेब सीरीज ग्रुप डी थी वहां देखी थी, उसमें मैंने मतलब इस क्लिप थी शायद कोई, कौन सी वह क्लिप थी, वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत अच्छी लगी थी। मतलब पता चल जाया है कि जी बंदा जो बोल रहा है के कर रहा है, तो वही तो मैंने पता चल गया था निशा बहुत अच्छी एक्टर है। और मतलब मैं निशा के साथ काम कर रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, जैसे काफी चीज सिखाई, जैसे कॉमेडी क्यों हुआ है लाउड हुआ है थोड़ी सी, बिल्कुल। और या जो चीज है जो हम कर रहे हैं या नेचुरल है, सटल रहना है, तो ये चीज मैंने सीखने मिली है हार्ड। और निशा के साथ काम करना वही वो गिव एंड टेक वाला काम है, मतलब निशा अगर एक अच्छा करे तो मेरा नू होगा तो और अच्छा बोलू, बिल्कुल वो बिल्कुल। केमिस्ट्री निकल का आवे ना जब स्क्रीन पर, तो मेरी भी उतनी अच्छी एक्टिंग आवे और निशा की भी तो हम उतनी। कह सकते हैं कि इसमें आपकी जो कॉमेडी है, जो आप जो ठहाके लोगों के लगवाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों का आप मिस रहेगा इस वेब सीरीज हाँ, में। नहीं यूएसपी है। हाँ, दोनों चीज है वो, छोड़ना छुड़वा देंगे राखी का। यूएसपी है वो तो राखी का, जहाँ मतलब अच्छा टाइम है वहां कॉमेडी भी है, क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज में देखो लड़ाई भी हो है, ठीक है, दोस्ती भी हो है, प्यार मोहब्बत भी हो, तो सारी वेरिएशन है इसमें, बिल्कुल। कॉमेडी भी है, लड़ाई भी है, नो गुथम गुथा चोटे पाड़ लड़ाई भी है लड़ाई भी है हाँ वो, मतलब मिस ना होने दे, मेरी भाई भी आ जा, मेरी सास वो भी है पर बोला नहीं है, लेकिन घुमा घुमा मारे हैं एक दूसरे को। अच्छा, जो देखो वेब सीरीज पहली बार हरियाणवी छोरियों के ऊपर बन रही है, और बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में, प्योर हरियाणी इसमें सुनने को मिलेगी, तो जो कल्चर हरियाणा का, किस प्रकार से लड़कियों को दिखाया गया है हरियाणा में इस वेब सीरीज के माध्यम से? इसमें दिखाई गई है जैसे कि टाइटल है धाकड़ छोरियां, कि जी सारी छोरी जितनी भी है धाकड़ है, मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनमें इतना दम रखे हैं अपने भीतर में कि वो चीज ठीक कर सके, अपने दोस्तों से लड़ सके, अपने आप से लड़ सके, और समाज में कोई भी चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठा सके। तो यो है धाकड़पणा इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। अच्छा, हाँ तो जी, राखी आपसे मेरा सेम एक और सवाल रहेगा कि आपने देखो गाने इतने सारे कर लिए हैं, और रील्स तो आपने मतलब अनगिनत, हरियाणा अनगिनत, तो कितना फर्क आपको इसमें लगा? एक वेब सीरीज में देखो इतने लंबे लंबे शॉट, ऐसे लंबे लंबे सीन चलते हैं, और वो छोटी थोड़ी देर के होते, तो कितना फर्क आपको इसमें लगा? सच्ची बताऊं तो जो मन ने अपनी वीडियो बनाई है यूट्यूब की,
वाह जो ही मनाड़े मेहनत करी इस तमने ट्रिपल मेहनत कर चुकी हूँ मैं, यो मेरे लिए बहुत इजी है अगर मैं सच बताऊं तो। अच्छा ये वहां मैंने खुद वीडियो खुद स्क्रिप्ट करना, खुद एडिट करना, खुद शूट करना, मतलब उठ उठ के बार बार फोन कट करना, उठना वो मतलब टाइम मतलब मना बुझोगे तो अलग चीज है। तो यो जो चीज कर रही हूँ यहाँ मतलब सब कुछ मैनेज है, मतलब मन खाली अपने एक्ट पर ध्यान देना है, तो यो मेरे लिए काफी इजी है। अच्छा निशा जी आपने भी गाने भी कुछ किए हैं, लेकिन आपका जो हमेशा फोकस रहा है वो फिल्मों और वेब सीरीज पे ही आपको रहा है, तो आपको दोनों में से किसके साथ कंफर्टेबल है? मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा डांस में दिक्कत होती है कभी कभी। नहीं नहीं डांस तो अरे मैं डांस ही करती थी बचपन में, मैं एक्टिंग उक्टिंग का मैंने आया भी नहीं मेरा था। तो मैं जर्नलिज्म जब मैंने करी ना, पत्रकारिता की पढ़ाई करी, तो मैं खुलन लग गई थोड़ा, थिएटर करा, फिर मैं डांस थोड़ा पीछे जाता जो गया और मेरा एक्टिंग पे फोकस ज्यादा होता गया। डांस मेरा प्रायोरिटी कर भी दिमाग में डांस रहे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ना बचू डांस से, मैंने सोचू मैं एक चीज में मंजू थोड़ा ना उसमें काम करूँ ज्यादा, बाकी ऐसा नहीं है मैं गाने भी आगे गाऊंगी मैं करूंगी। अच्छा अगर आपके चॉइसेस की बात करी जाए तो आपको किससे इंस्पिरेशन आप लेते हो, आप फिल्में वगैरह जब आप अब खुद एक्टिंग कर रहे हो तो आप किसी को आप फॉलो करते हो कि मुझे उन तरह की कोशिश करना है, उस प्रकार की एक्टिंग मैं कर पाऊं, तो किसी को ऐसे आप फॉलो करते हो किसी वैसे? नहीं मैं किसी ने फॉलो ना करती, मतलब कोई मेरे दिमाग में नहीं आता कौन है भाई मैं इसकी तरिया करूं, मैं जितना बेस्ट कर सकूं, मैं क्यों करी इसमें वेरिएशन ला सकूं, बस मैं उस पर फोकस करा करूं। अच्छा निशा जी आप जब एक्टिंग करते हो तो आपके जहन में क्या चल रहा होता कि आप उस कैरेक्टर में खो जाते हो, या फिर आप उसको पहले आप सोचते हो कि मुझे इस प्रकार से एक्ट करना है, जो आपका जो रोल है मान लीजिए जिस प्रकार की लड़की का आपका रोल कर रहे हो तो आप उसमें किस प्रकार से अपने आप को ढालते हो? देखो मैं सच्ची बताऊं ना तो कई बार है ना कई एक्टर देखे हैं मैंने रोंदे हुए हंसते हुए ना अपनी शक्ल पर फोकस करे कि हम कैसे लग रहे उसी तरीके से रोएंगे, देखे मैंने अपने साथ काम करते हुए भी कई लोग देखे, लेकिन जहां तक मेरा नु है मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, ठीक है मैं मोटी हूँ मेरा फेस मोटा है या कैसा भी है, मेरे नु है कि अगर मेरा रोना निकल रहा है ना तो मेरा असली में रोना दिखना चाहिए, ठीक है तो वो सब चीजें ना फील करनी पड़े, बैकग्राउंड है हर एक सीन का ना, वो ऐसा नहीं हर कैरेक्टर है मैं ना अपने अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सीरियस कैरेक्टर में मे भी आपने स्टोरी वाइज कहीं बैकग्राउंड आपका ऐसा हो, लेकिन हम स्कूल के फ्रेंड है हम कॉलेज के फ्रेंड है हम बहुत नेचुरल रहेंगे, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है कि हमने बैकग्राउंड में कुछ जाना पड़ेगा, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे नेचुरल रहने की, लेकिन जहां आवे भी है ना सीन ऐसा तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड बनाना पड़े, अपना पास्ट याद करना पड़े, अपने फैमिली के स्ट्रगल याद करने पड़े, पुराना टाइम याद करना पड़े, तो ही वो इमोशन है जो फिर एक और चीज उस चीजों ने याद करके ना उन चीजों ने फिर हमने वो उस सीन में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि हमने डायलॉग भी बोलने हैं हमने रोना भी है बहुत सारे इमोशन देने हैं एक साथ, तो वो अपना इमेजिनेशन वो अपना थॉट अपने कैरेक्टर में लाना पड़े, तो जरूर मेहनत तो बहुत लगा है ऐसी बात नहीं है। आसी खिलाड़ी बात को ना आजकल बस न्यू फर्क हो रहा है अपने हरियाणा में मॉडल ना एक्टर कहते हैं उन मेरे ख्याल फर्क है ना मेरा मॉडल मॉडलिंग करना एक मॉडल होना और एक्टर होना बहुत दिन रात का फर्क है, जब डायलॉग बोलने पड़ा है ना स्क्रीन पे तो मतलब पूरा जोर लग गया है पूरा अंगा लग गया है बिल्कुल। अच्छा बात की जाए राखी जी हरियाणवी इंडस्ट्री, अब देखो गाने नो डाउट बहुत अच्छे चल रहे हैं हरियाणा के, और अब साथ साथ जो फिल्में वेब सीरीज हैं वो भी अब अच्छा खासा अब जो काम है अच्छा खासा हरियाणा में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में यानी कि हरियाणवी इंडस्ट्री को अगर हम 4-5 सालों में देखें तो आप कहाँ पर हरियाणवी इंडस्ट्री को देख रहे हो? नहीं फिलहाल तक तो देखो 3-4 साल में जो म्यूजिक इंडस्ट्री ने ग्रोथ करी है वो हमारे सामने है, लेकिन मैंने उम्मीद मतलब जो नजर आ रहा है कि 4-5 साल में अपनी जो सिनेमा है बेसिकली मूवीज है और वेब सीरीज है ये चीजें जो 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ इनकी दिखने लग रही है, जाकि जैसे कि हमारा स्टेज ऐप ने जैसे मैं बात करूं जिसका हम प्रोजेक्ट करने लग रहे हैं स्टेज ऐप का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इब तक मतलब पहला भी वेब सीरीज बनी है पहला भी वीडियो बनी खूब होया है, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं थी कि मतलब पूरे हरियाणा ने एक लेवल पे लेकर आवा जो है ना सारे घर सबके घर घर में एक्टर सब है लेकिन उन्हें बेरा ना था, सब घर तली गड़काई ऑडिशन करवाए स्टेज ऐप वाले ने और फिर एक प्लेटफॉर्म देना तो वो बहुत बड़ी बात है, वो स्टेज ऐप के थ्रू होने लग रहा है और धीरे 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 और मेरे ख्याल से जब अपनी आओगी तो शायद और एक लेवल अप ले जाने की कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करिए बाकी देखो ऑडियंस को कैसा लगेगा। अच्छा बात की जाए निशा जी इस इंडस्ट्री में जो खासकर जो लड़कियों के लिए देखो बोला जाता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है इंडस्ट्री में अपने आप को सेटल करना थोड़ा सा शुरुआती दौर में, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए कितना स्कोप फिलहाल अभी है और आने वाले टाइम में कितना और हो जाएगा?
देखो मैं सही बताऊं ना, हरियाणा में था तो नहीं ऐसा, मतलब सही बताऊं हमारे घर में भी नो कह दिया करते कि ये भांड बन हो गए था, है ना, पुराने कह दिया करते। फिर धीरे धीरे लिकड़े, थोड़ी थोड़ी चीजें बेरा पट दी गई, और मैंने लगे कि जहाँ आप सही हो ना अपने काम खातर, तो आपने कोई नहीं रोक सकता, एक टाइम पे फैमिली भी आपका साथ देवेगी देवेगी। जी और शुरुआती दौर की बात करूँ तो मैं पक्का नाम लेना चाहूंगी, सपना चौधरी, जिसने बहुत एक है ना, ठीक है लोगों ने गालियां भी दी उनते, सब चीजें करी, लेकिन बिल्कुल उनका जो स्ट्रगल था ना, वो पीछे बाकी लड़कियों का ना, कितने गांवों में कितनी लड़कियां आने लगी है ना, रील्स बनाने लगी। तो जितना मैंने याद है ना अपना बैकग्राउंड, ठीक है, मैंने देखा है कि सपना चौधरी ने ही जो है ना चीजें आगे बढ़ाई हैं, मूवी में नहीं लेकिन गानों में। धीरे धीरे लड़की आना तो शुरू ही कम से कम, वरना हमें एक दो लड़कियों ने ही देखना शुरू करा था, हमने शायद एक दो लड़कियां ही आया करी थी गाने में। तो शुरुआत उन तो हुई, फिर नुआ की चीजें फैलती गई। और जगह राखी ने कहा भाई स्टेज है, मैं स्पेशली थैंक बोलना चाहूंगी स्टेज है अपने, क्योंकि वही हमारे यहाँ ना फिल्में बनी, चंद्रावर थे देख लो आप, फिल्में बनी, एक बने थी बंद हो जाती, देखा नहीं थे लोग। बिल्कुल फिर लाल रंग जैसी फिल्म ने भी इतने साल बाद जाके पब्लिसिटी, एक नाम पता चलन लगा लोगों ने, जिसका एक सीजन टू, मतलब उसका एक और, हाँ एक और पार्ट बनने लग रहा है। तो है एक, मैं स्टेज है अपने इस चीज खातर बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा में इतने आर्टिस्ट है ना, इतना टैलेंट है हरियाणा में, वो दिखे नहीं पावे था, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है, भी छोटे लेवल पे है, आज यहाँ है, शुरुआत हुई, आगे बढ़ रहा है, कल ने बड़ा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ तो जी धाकड़ छोरियों से बात है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीरियस की तरफ जा रही है, और राखी अगर हो वहां पे सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को हजम नहीं होगी ये चीजें। राखी ना मैं सीरियस रह करूं वैसे, अच्छा बेरा ना मैं क्यों कर कॉमेडी कर लूं, मैंने भी ना बेरा, मेरे ख्याल मैं बोलने का स्टाइल है कॉमेडी है ना, पर मैं बहुत सीरियस रह नहीं, जो भी करते हो आप बेमिसाल करते हो। अच्छा राखी जी, आपसे थोड़ा सा हम फन में सवाल पूछना चाहते हैं। माखी गणी आंट रिया देखो माखी भी फॉलो करा आपने, माखी मच्छर मारने वाले लाओ रे ये भी है राखी जी, देखो लोग आपको फॉलो फॉलो करते हैं, मक्खी मच्छर ये भी आपको फॉलो करते हैं, कोई नहीं छोड़ रहा आपको। मेरा के 2 घंटे पहले गुलाब जामुन खाया था ना, अच्छा अच्छा उसका असर, उसका असर है ही भी। अच्छा तो राखी जी, निशा के साथ आपने इतने दिनों से आप लगातार शूट कर रहे हो, जी, जी, तो निशा जी की कोई 3 क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो आपको निशा जी में आपको स्पेशली पसंद आई। एक तो मतलब जैसे एक्ट करते हैं तो दूसरे ने कंफर्टेबल करना अपने साथ, न्यू नाग भाई तू ना कर सकती, एक मोटिवेट करना बेसिकली, सब तो पहली क्वालिटी तो या दूसरी एक हम सारी चुगली कर ले मतलब एक विश्वास एक मन है कि तो और बात ना कवे, जैसे अपने प्रोडक्शन की भाई कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाई भी हो है, तो थोड़ी बहुत ऊपर जो नीचा हुआ है हम एक दूसरे से शेयर कर ले। अच्छा, मतलब जो डायरेक्टर और जो टीम मेंबर्स उनके बारे में बातें करते हैं, तो थोड़ी बहुत कर ले, सारी ना बताओ तो चलिए, हाँ, और तीसरा आई थिंक मतलब एक सच्चे इंसान है जो मेरे को फील हुआ। हाँ तो चलिए सेम आपके लिए भी कोई 3 क्वालिटी रखी। नहीं जगह हमने ना, हम कई आर्टिस्ट ने ना हम स्क्रीन पे देखे ना, और देख रहे हो कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो हमने नो हो जाए बेरा नहीं यार कैसा आदमी पाओगा है ना, लेकिन जैसा वो स्क्रीन पे है वैसा असली में भी है ना, वो जी खुश हो जाए, मतलब अच्छा। अपने जैसे लोग ऐसे ऐसे ही बताऊं तो राखी मतलब ऐसी ही है जब। हाँ वाह, मतलब नू दिल फेंक उसने कोई लेना देना नहीं बाहर की दुनिया से, वाह सही है उसने, अगला सही मिल रहा है उसने, कोई फायदा नहीं बाकी चाहे। एक चीज मैंने भी नोटिस की राखी ना, कमेंट्स बड़े पास करती रहती है ना। हाँ हाँ मतलब वो लाइटली माहौल होना चाहिए, सीरियस कई बार तो सीरियस सीन में भी हमारे हाथ से छूट जाए याद करके। दूसरा वही राखी, हाँ मतलब मैंने लगे जो मुंह फट इंसान होगा ना, जो कहीं भी कुछ ही बोल देता होगा, वो अपने मन में कुछ नहीं रखेगा, हाँ। तो वो है, वो सच्ची है वो। वो मैंने बहुत कम सेट पैसा लगाया कि मैंने मेरे जैसा कोई इंसान मिला हो जिसकी गल बात भी करना मजा आता हो चुगलीकरण में भी। और शुरू मैं सबसे पहला इंप्रेशन, मेरा सबसे पहला इंप्रेशन अच्छा था यहाँ इंडस्ट्री में ना, किसी से मिल लो ना कहीं इवेंट में जा रहे हो कहीं भी, कोई किसी से नहीं बात करता। मैं जिस दिन हमने एंट्री मारी ना राखी नुकरा हाय केशव हाय निशा मैं तो नहीं खुले बोला करी मनु के भाई मैं एक्टर तक क्यों बोल लूं, तू मेरे तमन्ना बोला है ये है चीजें कि भाई दे वो मेरे ताई लो ना करी मन्ने भी ना करी। अरे उसने ना करी तू कर लेके हो गया क्या, छोटे हो जाना। चलिए अच्छा अब हमने जो पॉजिटिव पॉइंट्स जान लिए, अब कोई 2 ओनली 2 नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ अनीशा जी के, कोई ईव जूत बचवाओ ईव नु ऐसा है इंटरव्यू ना बंद कर दो जी अब बस हो गया। चलो एक बता दो फिर, एक 4 दिन रह रही हमारे शूट के, इवन नहीं होना करो। चलो 4 दिन बाद फिर बताओगे आप? नहीं नहीं कोई भी है, कोई एक एक बता दो कोई ऐसा कुछ। इव तक देखो मैंने नहीं लगा है, इव तक नेगेटिव मैंने कोई सी फील ना आई है, क्योंकि 10 दिन हो हमने रहते 10-12 दिन, मतलब इतनी जल्दी नेगेटिव ना समझ मारा मेरे में कुछ नेगेटिव भी, और हमारा ना
पता नहीं तो थॉट लेवल मैच करे है, हम हर एक चीज हम आर्टिस्टिकली या हम एज अलग थे एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। या थोड़ी ए ना या थोड़ी केशव के लग ही रहे हो गल बीच में चली जा फिर मैं अकेली हो जाऊं, यो नेगेटिव पॉइंट फील हो जाएगा आप रह गए मैं अकेली रह जाऊं ना फिर। हां ना या मैं फील भी करा करती जिक्र हमारे काम थे तो ना एक आधी बार हमने बाहर जाना पड़ेगा शूट खत्म हो जाता राखी का शूट लग रहा है था तो नू जी भी तो क्यों मगर राखी है ना जाओ फिर सिटने दे दे बस ये नेगेटिव पॉइंट है बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट अच्छा। तो चलिए अब निशा जी आपसे जानना चाहते हैं कि इस वेब सीरीज को अभी कितना और आपको लगता है कि दिन और बाकी कंप्लीट हो जाएगा शूट वूट में? देखो शूट तो आज लास्ट था वैसे तो, लेकिन हर शूट पे बफर डेज है, दो तीन दिन लग ही जाना है, इतनी बड़ी कास्ट है क्रू है तो ऑब्वियसली बात है खींच जाए शूट तो दो तीन दिन और शायद। चलिए अब छोटा सा एक बिल्कुल कुछ सेकंड्स का माइक रैपिड फायर हम छोटा सा खेलते हैं, ये बताइए कि सेट पर सबसे ज्यादा फोन किसके आते हैं, राखी के हो या निशा के, दोनों में से आप बताइए। निशा के। सच्चाई? हाँ ज्यादातर फोन किसके आते हैं फिर, केशव के? ब्यौर है मेरा छप भी मेरे फोन गणे आए। नहीं रिश्तेदारों के आते हैं या फिर केशव के आते हैं? ना ना केशव के। अच्छा रिश्तेदार वगैरह परेशान नहीं करते? मेरा ब्याह ना होया ना मेरे आला मेरा नहीं कीते कीते तो पावेगा परेशान करने वाला है नहीं अभी परेशान करने वाला है नहीं भाई। अच्छा तो सीरियस ज्यादा टाइम में कौन रहता है सेट पे आप दोनों में से? शायद मैं क्योंकि राखी तो है ही फनी, राखी ने तो देखते ऐसे छूट जाए हमारी मम्मी तो मैं शायद। अच्छा निशा जी ज्यादा सीरियस रहती है? मैं भी रहूं पर शायद मेरे से थोड़ी सी ज्यादा निशा रहती है। अच्छा और गुस्सा जब दोनों में से जल्दी किसको आता है आप दोनों में से? नहीं भी तक मतलब मैं सही बताऊं ना राखी का उठ जाए गुस्सा लेकिन उसके ऐसे ही छूट जाए फिर मतलब मेरा थोड़ा सा उठ जाए यही है। अच्छा मैंने वैसे देखो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप कमेंट्स बड़े मतलब पास करते रहते हैं, मैं वहाँ पे अभी अभी जब शूट चल रहा था मैं देख रहा था कि पंखा की है मतलब क्या इस तरह से आप ना बात करते रहते हैं। मैं टोका टाकी करने गया था तो ओके ना मैं जब शुरू की बात मेरी दादी थी ना मतलब दादी बीबी है मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी कल रहा करती तो मेरी दादी की याद गुण आ रही है मेरे में दादी मेरी मम्मी टोके नहीं जाया करती तो मेरी भी वह याद है शायद मैं इसलिए कुछ ना कुछ कहती रहूं। वैसे राखी आप जो भी पुराने जो मतलब हम देखते हैं ना अपनी दादियों को मम्मियां चाचियों तो जिस प्रकार वो करेक्टर करते हैं सेम आप उस तरह की निकाल लेते हो जो बोली ताने वो मारती हैं कोई मतलब बुआ वगैरह होती हैं जो बोलती रहती हैं जो भाभियों को और जैसे लोग है ना रिलेट ज्यादा करे है और जो वो चीज ज्यादा वायरल हो फिर उस पे बनाने में मजा आवे जिसके व्यूज आवे या जो लोग तक पहुंचे बेसिकली ना तो लोग रिलेट ज्यादा करे जैसे बुआ मैंने बुआ भतीजा वाली वीडियो बनाई थी वहां खुद देख कर मैंने खुद नु हंसी आवा मतलब मैं ही हूँ गया मतलब मैं क्यों कर रही हूँ तो वो ऑन द स्पॉट हुआ वो मेरा कितने के दिमाग में आवा मेरे तो आप चलिए निशा जी लास्ट में आपसे ये पूछेंगे कि शादी आपने इतनी जल्दी क्यों कर ली पहले तो ये बताइए ना। देखो के आखिर सब मैं 25 की थी लास्ट ईयर 25 में शादी कर ली थी मैंने तो एक तो केशव जो है मेरी फील्ड का है और सबसे मेन चीज जो है करने एक रिलेशन में वो अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो काम कर रहे हैं तो उसका काम है मैं काम कर रही हूँ तो मेरा है अंडरस्टैंडिंग उतनी है सेट पे गए तो किस तरीके से हेल्प करनी है ठीक है नहीं भी है तो उससे किस तरीके से मोटिवेट करना है तेना अपना काम कुकर करना है तो वही ब्याह 3 साल पाछा करना था वही दिक्कत जब देखनी थी वही मौका छोड़ना नहीं चाहते थे आप। हाँ तो मतलब यूं था कि जहाँ क्योंकि इस फील्ड में ना ऐसे लोग मिलेंगे भी नहीं आपने ना ना ही मैं केशव की बात करूँ केशव ने भी ऐसी शायद लड़की ना मिले मैं अपनी बात करूँ शायद मैंने भी ऐसा लड़का ना मिले जो नू समझ के चल पावे ट्रस्ट होया करे एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट तो वो बहुत था ठीक है और शायद उसने सोचने में मौका नहीं दिया कि करनी चाहिए कि दिमाग में थॉट ही नहीं आया करनी चाहिए कि नहीं होगी और लगता भी नहीं हमें भी बिग लिविन की तरह रहे। अच्छा राखी मैं आपसे पूछो देखो रोडीज में सबने आपकी वो स्टोरी सुनी थी और आपने उसमें रुला भी दिया था खुद भी आप इमोशनल हो गए थे तो उसके बाद वो दिल अभी भी टूटा ही हुआ या जुड़ चुका है? कई बार जुड़ लिया कई बार टूट लिया कोई फर्क ना पड़ता उस टाइम पहला था ना तो था और मतलब मैं उस टाइम इतनी मैच्योर नहीं थी हाँ तो स्कूल टाइम पे था हाँ स्कूल टाइम पे था तो इतनी चीजें समझ नहीं आती ईव मतलब बहुत कुछ समझ गई तो ईव तो
कितना दिल टूट रहा है, बड़ी अतरिया जुड़ रहा। राखी आपने एक गाना भी बनाया था ना, खासकर जब दिल टूट जाता है तो अपने मतलब बड़ा से निकाल लेंगे। लड़कों के ऊपर ही बनाया था वो, इसलिए ही बनाया था कि उस टाइम ऐसा ही चल रहा था उसका, थोड़ा सा रैप हो जाए। खेल ले जो तू दिल से, दिल मेरा फुटबॉल नहीं, ना तेरी शोना ना तेरी जान ना तेरी बेबी डॉल रही। आगे क्या था, आगे मैं खुद ही भूल गई, मैं भूल गई। दिल मेरा फुटबॉल नहीं, ना तेरी शोना ना तेरी जान ना तेरी बेबी डॉल रही। खेल ले जो तू दिल से, दिल में नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा यार। बट इस तरह है तो कोई नहीं, वो दर्शक वो अपने आप ढूंढ के सर्च करके देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे उसका मतलब गाना देख। चलिए लास्ट में निशा जी, हरियाणा बीट्स टीवी चैनल हरियाणा का इकलौता टीवी चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यूं ही कहना चाहूंगी कि हर जगह की इंडस्ट्री बन गई, हरियाणा की भी, हरियाणा बीट्स हो या हरियाणवी स्टेज हो, कुकरी भी हो, इस हरियाणवी इंडस्ट्री ने भी नहीं आगे बढ़ा हुआ। एक अलग तो दिखनी चाहिए, बॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड और हरियाणवी का हरीवुड बॉलीवुड जो भी बनाओ, लेकिन बना दो। आप क्या कहना चाहेंगे? यो है बस, धुमा ठा दो नुए लागे रहो सारे, एक ना एक दिन तो मुकाम मिल जाएगा, एक दिन अपना नाम भी होगा, बस इतना ही करना। तो ढाकड़ चोरियों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत जल्द दोनों को हमारे जो स्टूडियो में बुलाएंगे, और पूरी टीम के साथ जो ढाकड़ चोरिया की जो टीम है, पूरी टीम से भी आपको रूबरू हम जरूर करवाएंगे। तो फिलहाल आप दोनों के, मुझे पता है कि आप बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आप हम लोग हमारे आए, क्योंकि शूटिंग फिलहाल अभी भी चल रही है, तो वही नजर है, और डायरेक्टर भी कहीं गालियां ना निकाले, तो हम जल्दी से दोनों को फ्री कर रहे हैं। तो आप आज के लिए हमारे साथ इतना ही जी, मिलते हैं जी अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा बीट्स। राम राम जी। राम राम।